ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत ही मोहतरम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रुकन भी हैं, उसके अलावा उनकी बहुत सारी और क्रेडेंशियल्स है, सेनेटर भी रह चुके हैं। एतजाज एहसन साहब इज़ अ वेरी रेनाउंड लॉयर ऑफ पाकिस्तान, एवरीबडी नोज हिम, मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी। एतजाज एहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज एहसन साहब कैसे हैं आप, कैसे हैं आप? जी खैरियत है। एतजाज एहसन साहब, ये क्या हो रहा है, मतलब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा है और सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी ने हमेशा फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक जंग लड़ी है, एक तवील जदोजहद है आप सबकी, आपकी स्पेशली अपनी जाती एक बड़ी जदोजहद है जुडिशरी के लिए, तो इस वक्त जो हालात हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? इमरान खान की बातों से इख्तलाफ हो सकता है, खान साहब की पार्टी की पॉलिसी से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये जो कदखने लगाई जा रही हैं, ये जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है इस वक्त, ये इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपका क्या मौकिफ है? मैं तो इस वक्त समझता हूँ यासमीन के ये जो है ना पैमरा, वो इमरान खान से मिला हुआ है, जितनी पाबंदियां लगाता है उतना ये ऊंचा जा रहा है। आज ये कोई तकरीर उसकी उसके आवाज से पाबंदी लगा दी है, इससे और बड़ी चीज क्या चाहिए इमरान खान को? बात तो उसने वही दोहरानी है जो उसने पहले की है, लेकिन उसका जो उसकी मकबूलियत जो है उसमें बहुत इजाफा हो रहा है। आप देख रहे हैं साथ कराची के रिजल्ट, तो ये तो वजारत दाखिला ने और राणा सनाउल्ला की सियासत चल रही है, वो तो बड़ा वो मेरा ख्याल है हमें तो यूं ही मुश्किल में दो से दो चार कर रहे हैं। एतजाज एहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन कथनों के हवाले से वाज़े तौर पर आवाज़ क्यों नहीं उठाती, बात क्यों नहीं करती, क्योंकि हम पीपल्स पार्टी से तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये कर, बिकॉज ये तो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की और फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी की तो सारी जंग है आप लोगों की। आप बेशक हुकूमत का हिस्सा क्यों ना रहे, लेकिन आप चले जाती तौर पर, लेकिन पीपल्स पार्टी इटसेल्फ इसके लिए क्यों कोई रेजिस्टेंस नहीं करती, क्यों नहीं बात करती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बैकफायर होगा, हुकूमत को मजीद नुकसान और पाकिस्तान की स्टेट को मजीद नुकसान मईशत के तौर पर दीगर हवालों से लगा है। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का तो ये कभी रहा ही नहीं, फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए एक तकरीबन ईमान का हिस्सा है और इंसानी हकूक जो है उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और हम ये नहीं करते रहे कभी भी कि हमारे पैमाने हुकूमत में आके फर्क और इसमें फर्क हो जाते हैं जब ऑपोजिशन में होते हैं। हमारा पैमाना एक रहा है कि जब हम गवर्नमेंट में रहे हैं, हमने बीबी शहीद की गवर्नमेंट थी, अब दो गवर्नमेंट थी, आसिफ जरदारी साहब और यूसुफ रजा गिलानी की गवर्नमेंट थी, हमने कोई सियासी कैदी नहीं था हमारे वक्त में, कोई किसी को तकरीर से हमने नहीं रोका, किसी को कोई उस वक्त चैनल तो एक ही था पीटीवी, लेकिन पीटीवी भी हमने उनके लिए अपोजिशन के लिए वक्तन फवक्तन उनको लाइव मेरे साथ मुनाजरे करना चाहते थे हुए, और जिस इशू पे वो चाहो उन्होंने हमने कराए, और उसके बाद जब आसिफ जरदारी साहब का इक्तदार और यूसुफ रजा गिलानी साहब का इंतहाई ये नरम रवैया था गवर्नमेंट का ऑपोजिशन की जाने, और जो जो कुछ वो कहते थे हम सुनते थे बर्दाश्त करते थे, इसमें मेरा ख्याल है कि पीपुल्स पार्टी ये इशू उठाएगी, ये इशू सिर्फ नहीं है और इशूज है जो कि क्या यहाँ राणा साहब की सियासत चलेगी और उनकी पॉलिसी चलेगी और वो कब तक चलेगी, किस इंतहा तक चलेगी, और क्या किसी पर तशद्दुद किया जा सकता है हिरासत में,
और ये सब चीजें हैं, इसमें यकीनन पीपल्स पार्टी अपने एक रवैया और एक सोच रखती है। एहतजाज़ एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।